सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहिं भयास राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नास होई बेगी नास। ओम जय सियाराम। मित्रों, आज आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक दर्शक मित्र के प्रश्न के उत्तर में श्री रामचरितमानस के एक दोहे का अर्थ, जिसमें रामायण का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, जानते हैं। मित्र घनश्याम भाई पटेल सूरत से पूछते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहिं भय आस आज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास का विस्तार से अर्थ बताइए। तो मित्र, आपके दोहे का अर्थ बताएं उसके पूर्व हमें ये जानना अति आवश्यक है कि आखिर ये प्रसंग है कब का और किसने कहा है। प्रसंग तब का है जब भगवान श्री राम की सेना समुद्र के पार खड़ी है और रावण के गुप्तचर उसको सूचित करते हैं। तो रावण ने अपने दरबार में अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। उसने अपने सचिव, पूर्व काल में मंत्री को सचिव कहते थे, आज भी किसी छात्र संघ, कर्मचारी संघ, RWA आदि संस्थाओं में महासचिव और सचिव का ही पद होता है, उनको ही महामंत्री और मंत्री कहते हैं। राजशाही के समय देश में एक राजा होता था और वो अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोगों को अपने दरबार में मंत्री पद देकर उनकी सहायता से राजकाज चलाया करता था। राज खजाने से इन मंत्रियों को पगार मिलती थी। ये सचिव या मंत्री राजाओं के समक्ष अपनी बात पूरी निर्भीकता से रखते थे। बहुमत के आधार पर या राजा अपने विवेक से निर्णय लेता था। सचिव की बातों का दरबार में बड़ा महत्व होता था। प्रजातंत्र में होता वही सब है, लेकिन अब अनपढ़ गंवार गुंडे मवाली मंत्री बन जाते हैं। काम करने वाले सचिव तब भी थे और आज भी हैं, बल्कि अब जनता का धन ज़्यादा खर्च होता है। अब सचिव के साथ अनपढ़ मंत्री भी दुगुना धन लेते हैं, जो पहले सिर्फ सचिव को दिया जाता था। रावण अपने मंत्रियों से पूछता है कि शत्रु आ गया है, आप लोग जो सही मतलब अपनी राय बतलाइए। तुलसी जी लिखते हैं कि बूझे सी सचिव उचित मत कहाहू, ते सब हंसे मस्त करी रहा हूँ। रावण अपने मंत्रियों से पूछता है कि आप लोग बताइए, जो आपका मत है, आपका विवेक कहता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो उसके सचिव जो थे सब हंस पड़े और कहते हैं, मस्त होके रहिए, जिते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। उसके मंत्री कहते हैं कि जब देवताओं असुरों इतने बड़े बड़े देवता राक्षस नाग किन्नर सबको आपने जीता, तब आप बिल्कुल थके नहीं, श्रम नहीं हुआ आपको, आपने हमसे कभी राय नहीं लिया। आज नर मतलब मनुष्य और बानर बंदर, इनकी क्या सलाह करनी इनके लिए, अर्थात यह आपके आगे कुछ नहीं है। वे मंत्री लोग हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं और कहते हैं, क्या महाराज चुप भी रहिए, क्यों मजाक कर रहे हो, इसमें कोई सलाह की जरूरत है क्या, आपने तो बड़े बड़े देवता
बड़े बड़े असुर राक्षस जीत लिए, तब तो आपने किसी से सलाह नहीं किया और ना जरूरत पड़ी और ना आप थके। फिर ये तुच्छ मानो और उसके सहायक बानर किस लेख में हैं, अर्थात इनको तो चुटकी बजाते हुए खत्म कर दिया जाएगा। हे स्वामी, कृपया ऐसा मजाक मत करिए, ये ठीक नहीं है, और हा 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 करके हंसते रहे। तो अब आता है वो दोहा जो समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए शिक्षा है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सचिव बैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होइ बेगी नास। अर्थात किसी राजा का मंत्री सचिव अपने राजा से, वैद्य अर्थात डॉक्टर अपने मरीज से, उसके रिश्तेदारों से, और गुरु अर्थात शिक्षक शिक्षा न दे पा रहे हों, अर्थात वो अपने शिष्य या उसके परिवार या कानून से डर कर बात करे, तो समझ लीजिएगा कि ज़्यादा दिन के नहीं हैं, इनका अंत निश्चित हो गया है। अगर मंत्री राजा से डर कर उसको जो प्रिय लगे उसकी चमचागिरी करे, तो वह मंत्री राज्य का हितैषी नहीं होता। जो कड़वा बोले, सत्य बोले, सन्मार्ग दिखाए, वही मंत्री सच्चा मंत्री होता है। वैद्य जो डॉक्टर होता है, वो अगर अपने मरीज के रिश्तेदारों से डरकर उनकी हाँ में हाँ मिलाए और अपना सही इलाज ना करे जो उसको करना चाहिए, तो वो मरीज ज़्यादा दिन का नहीं होता। उसी प्रकार अगर गुरु अपने शिष्य को कुछ सिखा रहा है, उसको सिखाने के लिए अगर उसके परिवारी जन से वो डर कर उसको गलत शिक्षा देता है, सही रास्ता नहीं बता पाता है, तो उस शिष्य का अंत अच्छा नहीं होगा। मंत्री या एम्प्लाई अगर अपने राजा या मालिक से चमचे मुंह देखी बात करते हैं, बताते हैं, तो उस राजा का विनाश निश्चित हो गया समझो। कोई डॉक्टर मरीज के रिश्तेदार से झूठ बोले तो मरीज की मृत्यु पक्की हो जाएगी, समझ जाना चाहिए। और गुरु अत्यधिक डराया गया है तो वो अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा, वो धर्म के रास्ते से भटक जाएगा। अर्थात किसी भी सचिव या मंत्री को अपने राजा को बिना डरे सीधा कटु सत्य बोलना चाहिए। अगर धर्म को बचाना है तो गुरु को दंड प्रक्रिया बनाए रखना जरूरी है। राजा से डरना नहीं चाहिए, वैद्य को किसी मरीज या रिश्तेदार को धोखे में नहीं रखना चाहिए, और गुरु को किसी प्रकार के भय के बिना अपना कार्य सच्चाई के साथ करना चाहिए। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते समय उन पर कोमल हाथ के साथ साथ उनकी कोमल कोमल पिटाई भी करता है। अर्थात शिष्य के अंदर अगर गुरु का भय नहीं होगा तो वो बिगड़ जाएगा। अगर रावण के सचिव लोगों ने, मंत्रियों ने रामा दल का अवलोकन करके उनके बला बल की थाह लेकर बात किया होता तो ऐसी मूर्खता की बात कभी नहीं करते। बहुमत से रावण को समझाते तो शायद युद्ध नहीं होता, उसका समूल नाश नहीं होता और लंका बच जाती। पर रावण के स्वभाव से डरे सचिवों ने उसके मुख पर उसकी प्रशंसा करके उसको मृत्यु की तरफ ढकेल दिया। वहीं विभीषण ने सच बोलकर अपने सचिव धर्म का पालन किया, ठीक वैसे जैसे विदुर ने सत्य बोलकर अपने मंत्री पद के कर्तव्य का निर्वाह किया था। जबकि द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म चुप रहे और कर्ण, शकुनी जैसे अन्य मंत्रियों ने दुर्योधन की चमचागिरी में उसको सही रास्ता नहीं बताया। अतः
तुलसी जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि सचिव वैद्य और गुरु को हमेशा बिना डरे अपनी सत्य बात रखनी चाहिए, अन्यथा राज्य धर्म और शरीर का विनाश निश्चित हो जाता है, जैसे रावण का हुआ, दुर्योधन का हुआ। अस्तु, जय सियाराम।